तो पहले तो हम ये छोटे से डिस्कस कर लें कि हज़रत इदरीस किस कौम पे उतरे थे और किन के ख़िलाफ़ लड़े थे, और फिर उसके बाद सुमेरियन टैक्स की बात करेंगे। पहले हज़रत इदरीस के बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो हज़रत इदरीस के बारे में क्या हज़रत हमें इदरीस के कंफ्यूजन? बारे में ये हमने बात क्लियरली की थी कि वो किस कौम पर आए थे, किस कौम से लड़े थे उनका, और वो एंड में जो उनका हमने सारी बात की थी ना कि हज़रत इदरीस पोर्टल्स में और ये सब पोर्टल्स में और इन सब चीज़ों पर ट्रैवल करते थे, लेकिन उसका एंड क्या था? जो पहले तो मैं आपको बता दूं समर्रा और सुमेरिया है क्या, ताकि आपको पता चले कि ये हमारे पास तीन सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की, जिसके थ्रू आपको भी पढ़ना पड़ेगा, हम भी वही पढ़ रहे हैं। एक तो तौरात और इंजील है, जो कि बाइबल की शक्ल में अब हमारे पास है। उसके तीन वर्जन्स हैं और तीनों के तीनों वर्जन्स पढ़ने पड़ेंगे आपको, बशर्ते कि, क्योंकि ये मुसलमानों पे हुक्म है कि जब तक कुरान पाक नहीं पढ़ा तब तक बाकी किताबें मत पढ़ें। तो डायरेक्टली आपने वो किताबें पढ़नी नहीं शुरू कर देनी, कुरान पाक के अंदर इस सब्जेक्ट के बारे में आपको काफ़ी कुछ पता हो, फिर आप उसको रेफरेंस के तौर पे आप एज अ हिस्टोरिकल टेक्स्ट आप, क्योंकि है वो अल्लाह की ही किताबें, ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि हम उन चारों किताबों को माने, सिवाय उस बात के कि जो कुरान पाक को काउंटर करती हो या कोई इंटरसेक्शन आता हो उसमें, कि जिसमें कोई ऐसा बिलीफ का कॉन्सेप्ट हो जो कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस में या कुरान पाक में सही तौर पर बताया हो कि ऐसा नहीं, क्योंकि ये इस्लाम का तरीक़ाकार है थॉट बिल्ड करने का, कि जो चीज़ें, और कुरान पाक में भी ऐसे ही आपने देखा है कि जो चीज़ें पहले से किताबों में लोगों को पूरी तरीके से पता थी और इस पर ईमान था, कुरान पाक ने उनका जिक्र भी नहीं किया, बशर्ते कि ऐसी चीज़ों के ऊपर वो ईमान ले आए हों जो कि, या फिर ऐसा इनहराफ कर दिया हो किताबों में जो कि अल्लाह ताला ने फिर करेक्शन करके बताया हो कि कुरान पाक में कि ये चीज़ गलत आप लोग मान रहे हैं, इसकी सही तरीका ये है, सही नंबर्स ये हैं, सही अकीदा ये है इसके ऊपर। वरना तो ये चारों किताबों को अगर हम यही मान रख लें कि वो सारी की सारी किताबें बिल्कुल इन्होंने तबाह कर दी हैं, तो फिर तो हमारे उस ईमान का हिस्सा ही डगमगा रहता है कि चार किताबें कितने हैं वो फिर। सो दे वी 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 नीड टू बिलीव इन दोज बुक्स एज मुस्लिम्स। एक तो हमारे पास ये रेफरेंस है, उसकी तीन वर्जन्स क्या हैं, एक है आपका किंग जेम्स वर्जन जिसकी 73 के करीब किताबें, जो सूरतें जिसे कहते हैं हम, बहरहाल उनको सूरतें कहते हैं, वो बुक्स कहते हैं उनको, उन बुक्स के अंदर भी काफ़ी सूरतें होती हैं, सब उनकी तरतीब अलग तरीके से। एक उनकी जो मेन स्ट्रीम कैथलिक चर्च द रोमन चर्च की इशू करदा जो बाइबल है वो है, उसमें 80 से ज़्यादा थोड़ी सी किताबें हैं, और जो तीसरा वर्जन है वो है इथियोपियन बाइबल का, उसमें सबसे ज़्यादा किताबें हैं। सो वी नीड टू हैव दैट रिलीजियस स्क्रिप्चर ऑफ दीज मेन स्ट्रीम रिलीजियस सेक्ट्स, एक है ये सोर्स। दूसरी सोर्स है एंशंट हिस्ट्री की, वो हिस्ट्री पै दर पै करके अलग अलग सिविलाइजेशंस ने अपने तौर पे अपने मुशाहदे के तौर पर डॉक्यूमेंट की, किस तरीके से की, वो उसी को टैबलेट बोल रहे हैं, ये वो टैबलेट नहीं है जो आईपैड की या इस तरह की टेक्नोलॉजी थी, वो पत्थर की तख्तियों के ऊपर लिखते होते थे, और यही कल हम बता रहे थे कि सबसे बेहतरीन तरीका किसी चीज़ को प्रिजर्व करने का कॉमन सेंस की बात थी कि वो पत्थर पर किया जाए, क्योंकि पत्थर लाखों सालों से अपनी शेप बरकरार रखे हुए हैं हमारे जो कुरे अर्ज़ पर। तो उन्होंने किसी ऐसी चीज़ का इंतखाब नहीं किया जिसकी नज़ाकत की वजह से कोई ऐसी आफत आए, गर्मी हो जाए, सर्दी हो जाए, पानी आ जाए, जो कि आता है, तूफान आते हैं, तो उसकी प्रजर्वेशन में वो मसला ना आए, तो उन्होंने पत्थर का इंतखाब किया, और बड़ा ही अच्छा डिसीजन था उन, सो क्योंकि अब वो हज़ारों साल बाद हमें मिल रहे हैं। मायन सिविलाइजेशन साउथ अमेरिका के करीब, सुमेरियन सिविलाइजेशन जो थी वो इराक के अंदर थी, इसको प्री बेबलॉन ईरा में ये गर्दाना जाएगा, फिर इसको मेसोपोटामिया कहा जाता है, फिर ग्रीक सिविलाइजेशन ऑब्वियसली ग्रीस में थी, रोमन सिविलाइजेशन इटली के जो यूरोप का हिस्सा है वहाँ पे थी, ये पुरानी कदीम सिविलाइजेशन, इन सब के टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स हमारे पास हैं, सही हैं या गलत हैं ये अलग बहस है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास किसी न किसी शक्ल में आ रहा है। जो इंडियन सिविलाइजेशन है वो हमारे पास काफ़ी काफ़ी अलग अलग वर्जन में मौजूद है, वेद हैज़ अ लॉट मोर टेक्स्ट देन एनी अदर बुक दैट वी है, जो कि ज़्यादा मशहूर हो गई इंडियन टेक्स्ट में। सो ये नंबर टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको एंशंट हिस्ट्री में रखते हैं। एंशंट हिस्ट्री का मतलब है कि ये 10,000 साल 20,000 साल की बातें हैं सारी, ये जो बाइबल और तौरा है
ये एंशंट हिस्ट्री नहीं है, ये एज फार एज वी कैन टेल ये 3000 और 4500 के साल के बीच के टेक्स्ट हैं। ये हमें बाइबल का तो पता है, 2019 साल हो गए हैं बाइबल को, आप 2019 में रह रहे हैं तो 2019 ये हो गए और तकरीबन 3500 साल तौरात को हो गए। सो उसको और जो फाइनल नेल है जिसके थ्रू जो स्टेंसिल है हमारा, वो जो फाइनल थर्ड सोर्स ऑफ नॉलेज है इस बारे में, वो कुरान और हदीस है। ये स्टेंसिल है हमारा, अगर कोई ऐसी चीज़ इनसे मुताबिकत रखती है या इनकी तस्दीक कर रही है तो उसको एज इज़ लेंगे इन दोनों सोर्सेज में, बाइबल्स में भी और एंशंट स्क्रिप्चर्स में भी। तो ये कॉन्टेक्स्ट है, ये मतन है जिसके बाद आपको बातें काफ़ी समझ आ जाएंगी जब हम लिंगों में आएंगे और बाद के अंदर जब डिस्कशन होगी तो आपको पता होना चाहिए कि सुमेरिया की सिविलाइजेशन, समर्रा की जो तहजीब है, उन्होंने 21,000 टैबलेट्स डिस्कवर्ड हो चुकी हैं, 21,000 तख्तियाँ पत्थर की जिनके ऊपर उन्होंने जितना नॉलेज प्रिजर्व कर सकते हैं, ऑफ कोर्स क्या पता ज़्यादा हो इससे। ये 21,000 का मतलब ये है कि ये वो हैं जो कि इराक के म्यूज़ियम्स में प्रिजर्व थी, इसके ऊपर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हुई, इसके ऊपर स्टडी हुई, बड़ी वैलिडेशन वेरिफिकेशन 1941 में, बड़ा रिसेंट वाक्य है ये, 40s में टू बी एग्जैक्ट, आई डू नॉट नो द एग्जैक्ट ईयर जब इनको उन्होंने डिक्लेयर किया, मगर 40s में आर्कियोलॉजिस्ट ने ये डिस्कवर की। सो इट्स अ वेरी रिसेंट डिस्कवरी। फिर एक और भी वर्जन है, सॉरी सोर्स है, वो इसराइलियात में आता है। इसराइलियात इन तीनों चीज़ों को नहीं मानते, वो बाइबल के अलावा कुछ स्क्रोल्स और कुछ गॉस्पल्स उनके पास खुद भी हैं, वो भी हैं, वो मैंने पढ़े हैं उनके बारे में, बड़े डॉक्यूमेंट्रीज, स्क्रोल्स ऑफ टेंपल एंड स्क्रोल्स ऑफ द सी, डेड सी स्क्रोल्स, जी हाँ, मगर उसको उन्होंने इस तरीके से शाय नहीं किया। और भी इनके पास गॉस्पल्स हैं जो कि जिनसे वो बड़ा वो इस्तदलाल करते हैं अपने प्रोफेसीज का और बड़े अपने नॉलेज का। सो ये 5-6 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेंगी ताकि हम जब डिस्कशन करें तो, मगर आपने नहीं भी पढ़ी तो आपको मैं ये बता दूं, आपके जहन में ये सवाल आएगा कि क्या हम उसको एज सोर्स ऑफ ट्रूथ मान रहे हैं? नो, सोर्स ऑफ ट्रूथ हम सिर्फ कुरान और हदीस को मानते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि साइंटिफिकली लॉजिकली करेक्ट है और उसका कुरान पाक में कोई जिक्र नहीं है तो येस, वी टेक दैट एज पार्ट ऑफ द पजल। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि कुरान में भी है और उधर भी है तो ऑफकोर्स वी टेक दैट एज पार्ट ऑफ द पजल एंड देन वी ट्राई एंड कम्प्लीट द पजल। अब आपको समझ आएगी कि मैं इन सब चीज़ों को मिलाने के बाद हज़रत इदरीस की या पिरामिड्स की या एलियंस की या इल्यूमिनाटीज़ की, स्पेशली इल्यूमिनाटीज़ की, ये सारी की सारी तफसील कहाँ से लेनी है। आज तक मैंने अपनी लाइफ में तो कभी भी कोई ऐसा लेक्चर नहीं सुना जो कि इल्यूमिनाटीज़ के ऊपर हो और उन पांचों चीज़ों को, या पांचों में से किसी कोई सी दो चीज़ें भी लेता हूँ, हमेशा बाइबल का कबाला इल्म के ऊपर चलते हैं और शैतानियात के ऊपर आ जाते हैं। ये सब कुछ सरासर गलत है। Illuminati is not a Satan-based practice or a religion or a cult or any kind of ritual which are satanic. Obviously, शैतान ने तो खुश होना होता है ऐसी हरकत के ऊपर, मगर वो शैतान की बेस पे नहीं। This, if you go through a lot of detail of Hazrat Nuh, और मैं Bible का यहाँ पर हवाला दूंगा, Bible में Book of Matthews में, Book of Numbers में और Book of Revelation में, इन तीनों जगहों के ऊपर बड़ी क्लियर आयात हैं कि दज्जाल का जो दौर है उसको तो एंटी क्राइस्ट कहते हैं ना, हम उसे दज्जाल कहते हैं। द एंटी क्राइस्ट, द टाइम ऑफ एंटी क्राइस्ट विल बी एग्जैक्टली द टाइम ऑफ नोआ। इतना बड़ा मामला है कि अब इसका कुरान से कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हमें हम मान भी लें तो कोई हमारा अकीदा नहीं हिलता। तो ये बड़े एहतियात से मैं आपको ये अल्फाज या आयतों के चुनाव कर रहा हूँ या स्क्रिप्चर्स के, कि हमारे अकीदे पर फ़र्क ना आ रहा हो। सो अगर क्रिश्चियनिटी में ये बिलीफ है और तीनों के तीनों सेक्ट्स में ये बिलीफ है कि हज़रत नूह का जो दौर है वो एग्जैक्ट वैसा ही है जैसे दज्जाल का दौर होगा, तो उसके अंदर से फिर जो स्पेशली किंग जेम्स के जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बिलीवर्स हैं इस बात के, और वो नूह के मामलात को रेप्लिकेट करते हैं, स्पेशली इन द बुक ऑफ रेवलेशन, उसमें वो बहुत ज़्यादा तफसील में और बड़ी क्लैरिटी के साथ उसको देखते हैं कि क्या ऐसी रेमिनिसेंस है हज़रत नूह के दौर की जो कि दज्जाल के दौर में आ सकती है। ऑब्वियसली जो मैं जिन स्कॉलर्स को स्टडी कर रहा हूँ किंग जेम्स की, जो इस वक्त के डॉक्यूमेंट्रीज करते हैं, लिखते हैं इनके ऊपर, जो इनके इस वक्त के पास्टर्स हैं, वो सुमेरियंस या उसके ऊपर नहीं देख रहे, आई डोंट नो व्हाई, बट मे बी एट सम टाइम दे विल।
So I am giving you a four-dimensional perspective here. Christians will have a singular dimension from coming from Bible. Obviously, they'll never believe in the Quran. We have, alhamdulillah, the Quran and the Hadith. और जितनी दज्जाल के बारे में हदीस हमारे पास आती है वो किसी और नबी की कौम के पास नहीं, तो हमें ज़्यादा भी पता चल जाता है इस बात से. सो इस बात से आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम ये हज़रत इदरीस और नूह की बात क्यों कर रहे हैं. इसका ताल्लुक है हमारे से कि दज्जाल के दौर में क्या पता वही वाक़यात हो रहे हों. ग़ालिब गुमान मेरा यही है कि वैसे ही होंगे, बिकॉज दज्जाल के बारे में जो भी अहादीस हैं वो सारी टाइम ट्रेवल की हैं, टाइम स्ट्रेच की हैं, टाइम डायलेशन की, और हज़रत नूह और पोर्टल्स की. और हज़रत नूह का दौर बड़ा क्लियरली पता चल रहा था. हमारे पास तो ज़्यादा इल्म नहीं है हज़रत नूह का, हमें तो सिर्फ कुरान पाक में हिंट मिलता है कि वो मामलात क्या थे. मगर अगर आप कुरान पाक में भी देखें तो सूरत के अंदर जब हज़रत नूह का जिक्र आता है तो पहले वो दरवाजे खुलने का जिक्र आता है कि आसमान के दरवाजे खुले और नीचे से भी पानी आना, ऊपर से भी पानी आना, विच हैज़ ए लॉजिकल, वेल इट्स एन ओपिनियन ऑफ कोर्स, उलमा का डिसीजन इस पर तो नहीं है, मगर क्योंकि उन्होंने इस नज़र से देखा नहीं इसको अभी तक. मगर मेरी अपनी एक राय ये है कि क्योंकि कुरान पाक का ये मौजज़ों में से एक मौजज़ा है, इस बारे में तो इत्तफाक है कि जितना पानी ज़मीन से उठाया जाता है उतना ही पानी बरसाया भी जाता है. ठीक है, ये तो अल्लाह ताला की एक मौजज़ों में से एक मौजज़ा कुरान पाक में इसी तरीके से बताया गया. साइंस ने कहा कि 16 ट्रिलियन टन जो है ना वो पानी वेपर्स में जाता है, अब हमें पता चल गया मीटरोलॉजी के थ्रू, और 16 ट्रिलियन टन ही बारिश होती है. सो उसके थ्रू फिर एक पूरी की पूरी एक कुरान पाक की उन्होंने एक मौजज़े की एक डिटेल डॉक्यूमेंट. साइकिल, हाँ ओके, वाटर साइकिल देखें कितनी. मगर हज़रत नूह के दौर में अल्लाह ताला ने कहा कि नीचे से भी पानी निकाल लिया था मैंने और ऊपर से भी पानी निकाल लिया. दैट मींस कि टोटली डिफरेंट वाटर साइकिल जो कि साइमल्टेनियसली दोनों हो रहा था. जी 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 बिल्कुल. सो इसका मतलब ये है कि वो लोकल वाटर साइकिल नहीं थी जो कि पानी समंदरों से उठेगा, ये नीचे के कोई पानी के चश्मे उबले हैं, उबले हैं, तनूर उबले हैं और दरवाजे ऊपर से भी खुले. इसकी कुरान पाक में जब तर्जुमा देखते हैं तो बड़ा सरसरी से तर्जुमा है कि बारिश हो रही थी, हालांकि बारिश का लफ्ज़ नहीं है उस आयत में, बस दरवाजे आसमान के खुलने का लफ्ज़ है हज़रत नूह के दौर में जब आया. जब बारिश का लफ्ज़ ही नहीं है, आपने खुद ही क्यों बारिश का लफ्ज़ बताया?